आवाज आ रही है आपको? चलिए यस सर। शुरू करते हैं। आज का 38 जनवरी का न्यूज है, बहुत अच्छा न्यूज है ये आपका। देखिए, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन की, इसकी पहले भी मैंने चर्चा की हुई थी, पेपर में भी आया हुआ था कि एक साथ जो इलेक्शन होगा पूरे देश में, मतलब कि पार्लियामेंट और जितने सारे स्टेट लेजिस्लेचर है, तो अगर दोनों का इलेक्शन एक साथ हो, है ना, तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स नहीं है, इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो देखते हैं। ठीक है, तो सितंबर 2023 में क्या हुआ, तभी प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने क्या की थी, एक हाई लेवल कमिटी की अध्यक्षता की थी, जिसमें किस चीज को लेके बात कही गई थी, एग्जाम इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब कि एक साथ जो है सारे इलेक्शंस की बात की गई है, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो और लोकल बॉडीज ऑफ ऑल स्टेट, मतलब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इनका भी, तो तीनों का इलेक्शन क्या हो, एक साथ हो। तो तीनों का एक साथ इलेक्शन इसी चीज के लिए क्या की गई, हाई लेवल कमेटी की बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता कौन के थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब कहता है कि ये जो हाई लेवल कमेटी है, तो इन्होंने क्या किया कि इस पे राय देने के लिए बहुत लोगों से राय मांगी गई, किनका किनका, द पॉलिटिकल पार्टी, लॉ कमीशन और भी बहुत सारे ग्रुप्स ने, ठीक ना, साइमल्टेनियस इलेक्शन पे अपना अपना प्रपोजल दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है। द डिजायरेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड सोशल कोहेसन। अब देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है क्यों बात की गई, क्यों होना चाहिए, इसलिए कि जब इलेक्शन होती है तो क्या होती है, कॉस्ट बहुत होता है, मतलब खर्च बहुत होते हैं, गवर्नेंस डिस्टर्ब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सोशल कोहेसन के लिए, मतलब कि खर्च कम हो, अच्छा गवर्नेंस हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सोशल जो यूनिटी है वो बना रहे, इसलिए क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लाया गया, मतलब लाने की बात की जा रही है। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं एक एक करके। पहला देखिए, इसी चारों पॉइंट को देखेंगे, कहता इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा इज अराउंड 4,000 करोड़ फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकसभा जो चुनाव होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना खर्च होता है, 4,000 करोड़, समझ गए। तो कह रहा है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो है खर्च घट जाए। अच्छा, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अगर आप रियली में जानना चाहोगे तो कई गुना होता है, 20 से 25 हजार करोड़ तक खर्च होते हैं, अच्छे खासे खर्च होते हैं। उसके बाद इच स्टेट असेंबली इलेक्शन वुड आल्सो कॉस्ट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्टेट। स्टेट की बात करें तो जो स्टेट जैसा है, मतलब जितना छोटा बड़ा है उसके अनुसार वहां खर्च होती है, तो स्टेट में भी अच्छे खासे खर्च होते हैं। दूसरा क्या बोला सपोर्टिंग चीज, कि देयर आर एटलीस्ट, अच्छा हर साल क्या होता है, 5 से 6 स्टेट में इलेक्शंस होते ही हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाला। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मिनिस्टर सहित, ये लोग क्या कर जाते हैं, परमानेंट कैंपेनिंग करने लगते हैं, मतलब चुनाव प्रचार करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस, जो सरकार का काम है पॉलिसी बनाना और सरकार चलाना, ये क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। उसके बाद और एक बात है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि इलेक्शन में जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो कितने दिनों का रहता है जनरली, ये 45 से 60 डेज के बीच रहता है। अब कहता है कि इसके अंतराल जो है, ना ही सेंटर में कोई चीज लाया जा सकता है, मतलब कोई पॉलिसी लाया जा सकता है उसके दौरान, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट लाया जा सकता है, सर तो ये ये तो क्या बहुत होगा,
क्या कहते हैं, स्टेट से रिलेटेड जो होगा सेंटर के द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लाया जाएगा जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, मतलब जिस दिन से घोषणा की जाएगी चुनाव की और जब तक चुनाव होगा तब तक। बोलिए कुछ बोल रहे हैं। सर मैं कह रही थी ये वाला पैराग्राफ फिर से कर बताइए, मैं थोड़ा नहीं समझा। हाँ, कहता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होते हैं, गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने दिन का होता है, 45 से 60 डेज के बीच होता है। तो इसके बीच क्या होगा, मतलब 45 से 60 डेज के बीच कोई भी नया स्कीम नहीं आ सकेगा, मतलब सेंटर कोई नया स्कीम जो है, नया पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, यस सर। तीसरा क्या बात बोला गया, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द डिस्ट्रिक्ट स्लो डाउन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड विद द प्राइमरी फोकस बीइंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। उसके बाद कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, जितने IAS IPS पुलिस व्यवस्था है, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में स्लो हो जाते हैं। किस किस समय, तो इलेक्शन के दौरान। तो उनका ज्यादा ध्यान किधर रहता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो उनको क्या किया जाता है, जहां पे रहते हैं वहां से विड्रॉ करके लाया जाता है, और कहाँ डिप्लॉय तैनाती किया जाता है, तो जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वहां पे तैनाती किया जाता है ताकि स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, मतलब अच्छे तरह से इलेक्शन हो सके। कहता है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एवरी ईयर हैव एन इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कहता है कि चूंकि इलेक्शन क्या है, हर साल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उस पर असर पड़ता है। लास्टली जो सबसे बड़ी बात कही गई है, हाई स्टेक इलेक्शन। तो हर साल क्या होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, हाई स्टेक इलेक्शन कर, मतलब उच्च दाव पे इलेक्शन करते हैं, मतलब पोलराइजिंग कैंपेनिंग करते हैं कि एक तरफा देखिए वो, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोई धर्म से रिलेटेड नेता तो वो अपने धर्म की ओर ज्यादा झुकाव करेगा, उसकी प्रचार प्रसार करेगा। और पिछले 10 10 मतलब एक दशक में क्या हुआ है, ये चीजें बहुत हुआ है, ठीक ना, सोशल मीडिया के जरिए। और जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारे जो देश में मल्टी रिलीजियस है और मल्टी लिंगुअल कंट्री है, मतलब हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे भाषाएं हैं, इनके बीच जो गहराई है, उन गहराई में क्या हो पड़ गई, दरार पड़ रही है। ठीक है, कहता चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व है साइमल्टेनियस अगर इलेक्शन हो तो। देखिए इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है ना, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब पावर्स को डिवाइड किया गया किसमें, स्टेट्स में और सेंटर में। तो जो सेंटर है, सेंटर के पास क्या है, अपने चैलेंजेस हैं, अपने उसके रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। अब कहता है कि द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर रिस्पेक्टिव पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द इलेक्टोरेट एज पर द डिविजन ऑफ पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है लिखा हुआ है कि यूनियन क्या पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है इलेक्शन को लेके, और स्टेट का क्या पावर है इलेक्शन को लेके। दोनों के अलग अलग पावर्स है, जब साइमल्टेनियस होगा तो क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा दोनों में, अवश्य होगा। कथा इसके वजह से क्या होगा, ये जो हमारा फेडरल स्पिरिट है हमारे कंट्री का, वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का। चलो अब कहता है क्या कि देयर हैव बीन मेनी पॉलिसीज दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब कहता है कि जो मान लीजिए कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे पॉलिसीज को क्या करते हैं, वो लोग पॉलिसी चलाते हैं। अब कहता है कि पॉलिसी चलाने से क्या हो, कि अगर अगर इलेक्शन क्या कहते हैं हर साल हो, ठीक, मतलब 5 साल में एक बार हो, तो क्या होगा, इस पे असर पड़ेगा। क्या मतलब कि इलेक्टोरल फीडबैक, जैसे चुनाव है मतलब कहने का मतलब कि जैसे कहता है कि सरकार कि इस बार जो हम ये पॉलिसी लाएंगे, ठीक ना, अगर हम हमारी चुनाव जीत गई तो लाते हैं ऐसा पॉलिसी, लेकिन 5 साल में एक ही बार होगा तो फिर क्या होगा, इस पे भी असर पड़ेगा पड़ेगा। कहता हैविंग ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। अच्छा, लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए कितना है टेन्योर फिक्स, तो 5 साल का है। अब कहता है कि अगर आपको डिजॉल्व करना पड़ेगा एक साथ,
है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, किस किस आर्टिकल में, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 83, 85, 172 और 174। तो ये सारे आर्टिकल किस चीज को लेकर डील करता है, ड्यूरेशन एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितने सारे स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनका और लोकसभा का जो है कार्यकाल कितना साल का रहेगा, कब ये डिजॉल्व होगा, इनसे सारे रिलेटेड है इस आर्टिकल्स में। तो इस आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, एक और आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 356। तो ये क्या है, ये है प्रेसिडेंट्स रूल। तो अगर आप 5 साल से पहले किसी स्टेट असेंबली को खत्म कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तभी होगा, तो उसमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए, जैसे बिहार ही है, तो बिहार का 5 साल का अभी जीत के आई, 5 साल का इसका जो है कार्यकाल है, लेकिन मान लीजिए इसका 3 ही साल पूरा है, अभी 2 साल और बाकी है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा क्या होगा, इसका 2 साल से पहले डिजॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो फिर 356 लगाया जाएगा प्रेसिडेंट रूल, मतलब डिजॉल्व करके फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। चलिए, अब कहता है बहुत सारे। हाँ बोलो। प्लस इसके साथ आर्टिकल 368 को भी अमेंड करना पड़ेगा क्या या नहीं? हाँ हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर है ना फेडरल पावर्स, तो उसमें भी अभी उस पर बात नहीं की गई है, जब होगी तो देखेंगे। ठीक है सर। अब देखिए, व्हाट आर द वेरियस रिकमेंडेशंस, बहुत सारे रेकमेंड किए गए, वो जो कमिटी में, कमिटी पे जो बातचीत हुई, तो उस पे बहुत सारे ने अपना अपना रिपोर्ट दिया। किसने, जैसे लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड पर्सनल पर्सनल, उसके बाद पब्लिक ग्रीवांसेज, लोगों के भी है उसमें बहुत सारे रिपोर्ट, लॉ एंड जस्टिस, इन सारे ने क्या चीज पे बात किया, साइमल्टेनियस इलेक्शन पे। तो सब लोगों ने क्या क्या दिए अपने अपने रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट को हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड नियरली हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली मे बी क्लब टूगेदर इन वन साइकिल। तो क्या बात की गई है कि 2 साइकिल में चुनाव हो, मतलब कि जैसे कि लोकसभा, ठीक है, और आधा स्टेट एक साथ चुनाव हो, और बाकी जो है दूसरे साइकिल में क्या हो, मतलब 2 और 2.5 साल के बाद, मतलब 2.5 साल के बाद एक एक साइकिल हो गया जिसमें क्या होगा, लोकसभा और आधा स्टेट आ गया। दूसरा साइकिल में क्या होगा, दूसरा साइकिल कब होगा, 2.5 साल के बाद, जिसमें जो बच गए स्टेट असेंबली उनका चुनाव होगा, ये रिकमेंडेशन की गई है। कहता है क्या, अब इसके वजह से क्या होगा, दिस विल रिक्वायर कर्टेलिंग और एक्सटेंडिंग द टेन्योर्स ऑफ एग्जिस्टिंग असेंबलीज। तो जो अभी असेंबलीज है तो उनके किसी का टेन्योर कम है, तो कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जिसका ज्यादा उसको कर्टेल कर देगा, तभी तो एक साथ इलेक्शन होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, दोनों में क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, अगर किसी भी स्टेट असेंबली के उसका ड्यूरेशन को बढ़ाना या घटाना है तो। ठीक है, एक और बात क्या कही गई है, बाय इलेक्शन को लेके, ठीक ना, तो बाय इलेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा है, जैसे राज्यसभा, सॉरी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे कोई एमएलए डेथ कर गए या रेजिग्नेशन कर दिया या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, है ना, तो उन जितने सारे देश में होंगे, जितने सारे विधायक होंगे इस तरह के, तो सबको एक साथ करके इलेक्शन कर दिया जाए, और साल में वंस इन ए ईयर, मतलब हर साल, साल में एक बार इस तरह का इलेक्शन किया जाए। ये तो हुई हमारे इंडिया की बात, अब देखते हैं वर्ल्ड कंटेक्स्ट में क्या है। तो देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी, तो इन लोगों का क्या है, इन लोगों का जो लेजिस्लेचर है फिक्स टेन्योर है, तो फिक्स टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स। अगर बात करेंगे ना जैसे साउथ अफ्रीका का, तो हर 5 साल में क्या होता है, उसका इलेक्शन होता है, मतलब प्रेसिडेंट और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक साथ चुना जाता है उनका, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है किसके द्वारा चुना जाता है, नेशनल असेंबली के द्वारा, और बाकी जो है लेजिस्लेचर किसके द्वारा चुना जाता है, प्रोविंस के द्वारा। अब कहता है कि प्राइम मिनिस्टर स्वीडन का
और चांसलर जो है जर्मनी का, तो ये लोग जो है हर 5 साल पे चुने जाते हैं। अच्छा चलिए यही तक, आगे देखिए, ये कुछ नहीं है। ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द जर्मन चांसलर कैन बी मूव्ड ओनली बाय इलेक्टिंग ए सक्सेसर। कह रहा है कि जर्मनी में मान चले कोई चांसलर बन गया, तो उसको अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो तब लाएंगे जब हम उसको चुन लेंगे तब। मतलब कि 5 साल पूर गया तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा, कोई अगला मतलब जो चुनाव होगा फिर कोई जीत के आएगा तब। ठीक है चलो आगे देखो, एक न्यूज है, ये भी अच्छा न्यूज है। इसमें क्या चीज बात की गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके बात की गई है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। कहता लास्ट ईयर वाज ए गुड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया विद सेल्स रिकॉर्डिंग ए 50% ग्रोथ कंपेयर टू 2022। तो क्या कह रहा है कि पिछला साल जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बहुत अच्छा रहा, तो जितना अनुमान लगाया गया उसका 50% क्या हो गया है, ग्रोथ हुआ है। किस चीज में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेल्स में। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे अगर 2022 के मुकाबले, तो मतलब 2023 में अच्छी खासी सेल हुई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना 2023 में वो कितना हुआ है, 6% का ही हुआ है। मतलब सेल हो गई है कंपनी से 50%, लेकिन रजिस्टर्ड जो है अभी 6% ही हुआ है। क्या मतलब हुआ कि लोग अभी मतलब लोगों के हाथ में गाड़ी अभी नहीं आई, अभी सिर्फ शोरूम वगैरह यही है। ठीक है, कहता द इंडस्ट्री इज पॉइज्ड फॉर फेनोमिनल ग्रोथ विद द इंडियन ईवी मार्केट एक्सपेक्टेड टू रीच $100 बिलियन बाय 2030। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है 2030 तक कितना पहुंच जाएगा, तो $100 बिलियन सॉरी 100 हाँ बिलियन डॉलर, तो इतनी अनुमान लगाया जा रहा है 2030 तक में, अच्छी बात है। अच्छा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होती है उसकी हार्ट क्या है, मतलब उसका सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, वो है बैटरी। और बैटरी सिस्टम जो है पूरे गाड़ी का कितना परसेंट कॉस्ट है, 40%। मतलब कि 10 लाख, अगर 10 लाख की कोई व्हीकल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो बैटरी का ही कीमत कितना है पूरा बैटरी सिस्टम का, 4 लाख। समझ गया। कहता द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज डिपेंडेंट ऑन एडवांसेस इन बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेटिंग टू बेटर इकोनॉमिक्स एंड इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस लॉन्गर रेंज फास्टर चार्जिंग एंड इम्प्रूव्ड सेफ्टी। अब क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमें अच्छे से मार्केट में लाना है वर्ल्ड में पूरा, तो जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें हमको क्या क्या चीज पे सुधार करना पड़ेगा। एक तो एडवांसेज इन बैटरी टेक्नोलॉजी, कि बैटरी टेक्नोलॉजी में हमें एडवांस होना पड़ेगा। दूसरा क्या बात कही गई है कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, इनहेंस करना पड़ेगा। यूजर एक्सपीरियंस मतलब जो गाड़ी चलाएगा तो क्या क्या एक्सपीरियंस उसको अच्छा होना चाहिए। लॉन्गर रेंज मतलब एक बार चार्ज किया तो ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा किलोमीटर तक, और चार्ज क्या हो, फास्टर हो, तुरंत चार्ज हो जाए। और दूसरा गाड़ी में सेफ्टी बहुत है। अगर इस तीन चार चीज के मापदंडों को हम लोग अपनाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बूम करेगा इंडिया में। अब कहता है क्या, तो इसमें जो बैटरी यूज किया जाता है कौन सा बैटरी है जी, लिथियम बैटरी। क्या यूज किया जाता है, लिथियम बैटरी। तो चलिए ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। देखिए ये है बैटरी, लिथियम बैटरी। इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है एनोड, क्या है, एक एनोड, और दूसरा क्या है जी, कैथोड कैथोड। एनोड जो है किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का, और कैथोड जो है किस चीज का बना होता है, लिथियम मेटल ऑक्साइड। लिख लीजिए लिथियम मेटल ऑक्साइड, तो इसका बना होता है। और इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को दोनों को जो डिवाइड करता है, ये बीच में एक लगा रहता है सेपरेटर दोनों को अलग करने वाला, ये किस चीज का बना होता है, पॉली इथनील का बना होता है। और इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड के द्वारा जो दोनों अलग हैं उसका नाम है लिथियम सॉल्ट। लिथियम सॉल्ट के द्वारा दोनों अलग होते हैं, मतलब दोनों अलग होते हैं मतलब अलग अलग रहते हैं, मतलब पूरा लिक्विड भरा हुआ है
तो उसमें कौन सा सॉल्ट है? लिथियम सॉल्ट। अब देखिए, पहले ये बताए, क्या बताए, बैटरी चार्ज कैसे होती है या बैटरी यूज कैसे होता है? पहले चार्ज देखते हैं, ठीक है? लेकिन टेक्स्ट पढ़िएगा तो पहले क्या है, पहले डिस्चार्ज है, ठीक ना? टेक्स्ट आप पढ़ना तो ये वाला फिगर को देखना, ठीक ना? बाद में जो है चार्जिंग का लिखा हुआ, तब इसको, तो हम लोग इसी को पहले देखते हैं, चार्ज बैटरी। देखिए ये क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग, और ये क्या है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोड्स है किसका बना है जी? लिथियम मेटल ऑक्साइड का। और यहाँ पे हम क्या किए, चार्जर लगा दिए। तो जब चार्जर लगा दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, जो मतलब करंट है, क्या क्या होगा, करंट यहाँ पास करेगा। तो जब करंट पास करेगा तो इसमें क्या है, लिथियम, तो लिथियम एटम क्या करेगा, ये पास कर जाएगा। जब इसको चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, ये पास कर जाएगा। और ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एब्जॉर्ब होते जाएगा। मतलब कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गया, एनोड पे। एनोड तो पे यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते डिपॉजिट हो गया। फुल डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, बैटरी आपका फुल चार्ज हो गया, हो गया कि नहीं? यस सर। और ये जो होता है, ये होता है लिथिटिएट, लिथिएट। उतना नहीं समझना, अब बस समझिए कि कैथोड से चला जाता है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एनोड पे। अब आ गया एनोड पे फुल। अब नोड पे देखिए क्या क्या बोलो। सर, यहाँ पे कैथोड के पास प्लस और वो एनोड के पास माइनस होता है, तब भी वो एक दूसरे के पास कनेक्ट होते हैं क्या? बिकॉज हाँ, अगर जैसे ये प्लस और प्लस माइनस चार्ज है तो किधर जाएगा, माइनस की तरफ, ऐसा समझिए, ओके ठीक ना? ये प्लस में कैसे बाहर के निकल गया, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे करंट पास किए है ना, चार्जर लगा के। तो बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो गया आपका, हो गया। अच्छा अब देखिए, ये जो एटम है, ये सब एटम पास करके कहाँ चलाया, एनोड पे, एनोड पे भर गया। अब क्या करिए, अब इससे हम जोड़ दिए बल्ब को, इधर से तार लगा के, इधर से तार लगा के जोड़ दिए, या यस सर। मोबाइल को जोड़ दीजिए। जब जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो लिथियम था, लिथियम जो आयन है, क्या है, लिथियम आयन या लिथियम एटम, ये कहाँ पे है, एनोड पे है। तो जब जलाइएगा तो ये क्या होगा, ये चलेगा यहाँ से, तब फिर बल्ब जलेगा। तो अब ये यहाँ से ये जो है करंट पास करेगा, तो यहाँ पे ये जलने लगेगा। और इसके अंदर क्या होगा, तो जो यहाँ पे जमा हुआ था, अब क्या होगा, इधर रिवर्स हो जाएगा। तो लिथियम जो इधर आया था, वो लिथियम अब फिर से कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। तो जब फिर कैथोड पे पूरा जमा हो गया, तो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया। फिर इसको चार्ज करिए तो फिर कैथोड से कहाँ चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। और इसी के अंदर होगा ये ट्रांसफर, ये नहीं कि तार से इधर जाएगा, इसी के अंदर, वो जो बैटरी के अंदर होता है, ठीक ना? सर एक बार ये वापस बताइए ना, ये कौन डिस्चार्ज सा वाला, डिस्चार्ज वाला। चार्ज, समझ गए? तो हाँ सर, चार्ज समझ में आ गया। चार्ज समझ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सारा लिथियम एल आई प्लस, जो लिथियम जो आयन है, अरे रुक जाओ, यहाँ जो लिथियम आयन है भरा हुआ, पूरा जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया एनोड पे। तो जब जमा हो गया, जब फिर इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अब चार्जर से नहीं, अब बल्ब से। तो बल्ब तो जलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ से क्या निकलेगा, करंट पास होगा, तो बल्ब जलेगा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिथियम आयन जो है, ये लिथियम आयन फिर से क्या होगा, इसके थ्रू जो सेपरेटर लगा हुआ था, अब यहाँ से फिर ये चलाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा इस वाले फिगर के तरह, समझ ओके जो यहाँ पे जमा गए? हुआ था अभी वो लाइट के थ्रू उसके पास वापस चले जाएगा ना सर? ओके समझा। चलिए, तो इसमें यही था। अच्छा हाँ, एक और न्यूज है, इसको देखते हैं। अब पढ़ोगे पीडीएफ में तो वही सब लिखा हुआ। अब समझते हैं हम बोल्ट क्या होता है ना?
हम्बोल्ट एनिग्मा। तो हम्बोल्ट क्या है? एनिग्मा एक पहेली है। किस तरह की पहेली है? तो कहता है कि वाई सम माउंटेन रीजन्स स्पेशली इन द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, तो कहता है हैव एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी। तो माउंटेन वाला क्षेत्र में क्या है? बायोडाइवर्सिटी बहुत है, तो जितना अपेक्षा किया जाता है, ठीक ना, कंट्रेरी टू द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन डाइवर्सिटी अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो कहता है क्या कि जो अनुमान लगाया जाता है कि इतना होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी किसके मुकाबले? इक्वेटर के मुकाबले, तो उससे क्या है? कम है। तो कम है तो क्यों है? इस चीज को क्या बोला जाता है? हम बोल्ट एनिग्मा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो जैसे इक्वेटर है, तो इक्वेटर जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है? हाँ, इक्वेटर एक सौ क्या था? तो वेजिटेशन कहाँ होगा? ज्यादा यहाँ होगा, है ना, यस सर इक्वेटर के पास। और जब हम माउंटेन की तरफ जाएंगे, जब इधर जाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वेजिटेशन घटेगा ना, यस सर वेजिटेशन घटेगा, लेकिन वेजिटेशन वहां घटा नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? माउंटेन वाले माउंटेन क्षेत्र में। इसी पहेली को क्या बोलते हैं? हम बोल्ड। क्लियर हो गया? ठीक यस सर है, चलिए। अब कहता है इट मीन्स दैट इंडिया हैज सम ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरियाज इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया की अगर बात करें, तो इंडिया के पास क्या है? कुछ ऐसा जगह है जहाँ क्या है, बायोडाइवर्सिटी अच्छे खासे जगह, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में है। नॉट ओनली इन ट्रॉपिक रीजन्स, ये नहीं कि सिर्फ ट्रॉपिक रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में भी है। जैसे आप अगर बात कीजिएगा ना वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न हिमालयाज का, तो वहां पे क्या है? अच्छे खासे वेजिटेशंस। जैसे ये वाला रीजन देखिए इधर, ये जो है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन है। फिर उसके बाद हिमालय वाला रीजन में, यहाँ भी अच्छा। तो दोनों जगह इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया के लिए क्या होना चाहिए? तो कहता है दीज एरियाज आर होम टू मेनी एंडेमिक एंड इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहता है कि ये जो एरिया है क्या है, तो बहुत सारे इंडेमिक और इनडेंजर्ड स्पीसीज जो है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनका क्या है, यहाँ पे घर है, ठीक ना। और क्या करता है ये लोग, बहुत सारे इकोसिस्टम यहाँ पे सर्विस और कल्चरल वैल्यू प्रोवाइड करता है ये सारे प्लांट्स एनिमल्स। तो कहता है क्या इट ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया फेसेज मेनी चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू कंजर्व इट्स माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो कहता है क्या कि इंडिया जो है क्या कर रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स को फेस कर रहा है। किस चीज के लिए? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक ना, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन्वेसिव स्पेसीज आ रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके वजह से माउंटेन बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। जैसे क्लाइमेट चेंज के अनुसार समझ गए, हैबिटेट लॉस मतलब कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पे कुछ जीव है, ऑर्गेनिज्म है, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब ये यहीं पर रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे जगह यहाँ से शिफ्ट माइग्रेट करके जा रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी यस भी क्या होगा, खत्म होगा, घटेगा ना बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, अब टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ ऑर्गेनिज्म वहां नहीं रह पाए, तो हैबिटेट लॉस हो गया, तो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगा। फ्रेगमेंटेशन तो क्या होगा, अलग अलग लोग बंट जाएंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। ओवर एक्सप्लाइटेशन, तो बायोडाइवर्सिटी का क्या किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लाइटेशन, मतलब हम लोग पेड़ पौधे को ढेर सारा कटवा रहे हैं। उसके बाद इन्वेसिव स्पेसीज, तो मान लीजिए कोई बाहरी स्पेसीज क्या है किसी इकोसिस्टम में आ गया, तो जब इन्वेसिव स्पेसीज आएगा तो क्या करेगा, कम्पीट करेगा, तो जो वहां का स्पेसीज होगा उसको घटा देगा। जैसे कल वाले न्यूज में पढ़े थे एंट वाला,
उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और आदमी की वजह से, देखिए एक होता है एनिमल टू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जानवर का जानवर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जानवर और आदमी का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो इसलिए इंडिया को क्या जरूरत है, टू अडॉप्ट इफेक्टिव पॉलिसीज। तो इंडिया को एक प्रभावशाली पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा ताकि माउंटेन इकोसिस्टम को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद वहां पे बहुत जो लोग रहते हैं जो उसी पे डिपेंडेंट है, माउंटेन सिस्टम इकोसिस्टम पे, उनके जीवन यापन को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, कल देखते हैं फिर। अच्छा, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक।